हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल चंद्रयान 3 की सक्सेस के लिए हमारी पूरी इसरो की टीम और सभी भारतीयों को बहुत बधाई। और बेस्ट के लिए एक क्वेश्चन। जली ना, तेरी भी जली ना। Would you like some aloe vera? You just got burned. Anyways, आज इस वीडियो में बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की, कैसे उनके एक छोटे से प्रश्न ने चंद्रयान मिशन पर कितना इम्पैक्ट रखा और उस टाइम के इसरो के चेयरमैन का पर्सपेक्टिव बदला। साल 2008 में जब चंद्रयान का पहला मिशन चांद पर जाना था, तब हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उस समय हमारे इसरो के चेयरमैन थे जी माधवन नायर। ये जो इंसिडेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये उन्होंने खुद अपनी बुक में लिखा है। चंद्रयान मिशन ऑलमोस्ट रेडी था, तब हमारे प्रेसिडेंट साहब इसरो में विजिट करते और उन्होंने माधवन जी से क्वेश्चन किया कि हम दुनिया को क्या एविडेंस दे रहे हैं कि इंडिया चांद पर पहुंच गया है। इसके आंसर में माधवन जी कहते हैं कि हम लूनार पिक्स को कलेक्ट करेंगे और रिलीज करेंगे, ये एविडेंस काफी है दुनिया को दिखाने के लिए कि इंडिया चांद पर पहुंच चुका है। बट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड ऑफ ऑल टाइम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस आंसर से ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे और वो माधवन जी से कहते हैं कि जब इंडिया ने माउंट एवरेस्ट पर मिशन किए या फिर अंटार्कटिका पर मिशन किए तो उन्होंने वहाँ पर इंडिया का तिरंगा लहराया। क्या आपको लगता है कि चांद पर जाने के बाद मेरे डिजिटल डाटा को कलेक्ट करना और रिलीज करना एक अच्छा आइडिया है? क्या हम इससे कुछ बेहतर नहीं कर सकते? अब चेयरमैन साहब अच्छे से जानते थे कि कलाम जी सिर्फ इंडिया के प्रेसिडेंट नहीं है, एक रेनाउंड साइंटिस्ट है, एक एरोस्पेस इंजीनियर है जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था और इसी एक क्वेश्चन ने उनका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। और यहां से आया था MIP यानी मून इंपैक्ट प्रोब का, जो आगे चलकर फर्स्ट इंडियन ऑब्जेक्ट टू टच द लूनार सरफेस बनता है और उसी MIP के ऊपर तिरंगा इंस्क्राइब था। माधवन जी बुक में ये भी लिखते हैं कि 14 नवंबर 2008 को जब मिशन सक्सेसफुल होने का दिन था, उस दिन कलाम साहब फिर से इसरो पहुंचते हैं तो चेयरमैन साहब उन्हें बटर मिल्क ऑफर करते हैं क्योंकि वो उनका फेवरेट था एंड वो दोनों एक साथ थे। एंड द मोमेंट मिशन गॉट सक्सेसफुल, कलाम साहब कहते हैं यू बडी यू हैव डन इट। और उस साइट को पंडित नेहरू जी के नाम पर रखने का आइडिया भी कलाम साहब का था क्योंकि 14 नवंबर को पंडित नेहरू जी का जन्मदिन होता है और इसरो की एस्टेब्लिशमेंट के पीछे नेहरू जी का ही विजन था। गवर्नमेंट की सभी परमिशन के बाद उस साइट का नाम जवाहर स्थल रखा जाता है। एक छोटा सा लेसन इससे हम ये भी ले सकते हैं कि एक आज जहां हमारे कई लोग हिंदू मुस्लिम के लिए लड़ रहे हैं, उस टाइम पर हमारे मुस्लिम प्रेसिडेंट होने के बावजूद उन्होंने उस साइट को पंडित नेहरू जी के नाम पर रखने का आइडिया दिया। शायद इसीलिए आज भी दुनिया में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का हेटर आपको नहीं मिलेगा। खैर, ऐसे इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।